मैं हूँ अबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम का दमदार भाषण, मैं किसी से नहीं डरने वाला। डांस कर रहे व्यक्ति को ले गए यमराज। गणेश की मूर्तियों का हाल देखकर दिल का दर्द आया बाहर। बागलकोट जिला में खतरनाक चोरों की गैंग। बाजारों में बयान चीन के लहसुन का कारोबार। जनार्दन रेड्डी की बल्लारी में एंट्री पर लगी पाबंदी हटाई कोर्ट ने। ओ माय गॉड, गोल्ड के दाम आसमान पर। फिल्म देख रही महिला के अंदर आई देवी माँ। गैरकानूनी देश में रहने का मामला, पाकिस्तानी होने का शक। बेंगलुरु मैसूर नेशनल हाईवे पर खौफनाक रोड हादसा। अब खबरें विस्तार से। सीएम सिद्धरामैया का दमदार भाषण, मैं किसी से नहीं डरने वाला। मूडा के गैरकानूनी साइट अलॉटमेंट के मामले में सीएम सिद्धरामैया फंसे हैं लोक आयुक्त के भंवर में। इनका भविष्य में क्या होगा हाल, ये तो पता नहीं, पर फिलहाल तलवार की धार पर चलने जैसा है सिद्धरामैया का हाल। उधर अपोजिशन इस्तीफे की कर रहा है मांग। इसी बीच सिद्धरामैया का चीख चीख कर चिल्लाते हुए कहा कि मैं किसी से नहीं डरने वाला का दमदार बयान सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई के लिए मैं हूं तैयार का खुला चैलेंज दिया सीएम सिद्धरामैया ने, कि कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। डांस कर रहे व्यक्ति को ले गए यमराज। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, ऐसा ही एक दर्दनाक नज़ारा चामराजनगर तालुका मुड़ानकोड़ू गांव के भगवान के त्यौहार के दौरान डीजे के साउंड पर डांस करने वाले व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। 42 साल वाले बाबू के नाम से हुई है त्यौहार में खुशी से नाचने वाले व्यक्ति की पहचान। इंसान का नहीं कोई भरोसा, प्यार और खुशियाँ ही बांट ते रहोगे तो किए जाओगे दुनिया में याद। गणेश की मूर्तियों का हाल देखकर दिल का दर्द आया बाहर। गणेश त्यौहार के दौरान अपने घर गलियों और बाजारों में चमकदार लाइटिंग, डेकोरेशन, फल फूलों के साथ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 दिनों तक भक्तों की भक्ति का हर तरफ पूजा आरती का नज़ारा। शानदार स्वागत, नाच गाना, गणपति बप्पा मोरैया, जगह जगह जुलूस, महाराजाओं की तरह विशाल रैलियाँ। विसर्जन के बाद गणेश जी का बुरा हाल, सम्मान के साथ विदा की गई गणेश जी का हो रहा है बेलगाम महानगर पालिका की लापरवाही से अपमान। विसर्जन के लिए बनाए गए तालाब में लावारिसों की तरह पड़ी हैं मूर्तियां। कपिलेश्वर तालाब में टूटी हुई गणेश जी की मूर्तियां, आसपास गंदगी, बदबू, क्या सम्मान देकर हटाया जाएगा? गणेश की मूर्तियों को मिलेगा सम्मान? है यह सबसे बड़ा सवाल। बागलकोट जिले में खतरनाक चोरों की गैंग। बागलकोट जिला जमकंडी के प्रभात नगर में चोरों की खतरनाक गैंग का नज़ारा। चेहरे पर नकाब, हाथों में हथियार, गली गली में घूम घूम कर बिना किसी डर के अंजाम दे रहे हैं चोरी की वारदात। एक साथ 3 घरों को लूटकर फरार होने का नज़ारा। पुलिस की खामोशी पर भी इलाके के लोग उठा रहे हैं सवाल। बाजारों में बयान चीन के लहसुन का कारोबार। रुपयों का लालच, कारोबारियों का ग्राहकों के साथ खिलवाड़। भारत में बयान चीन के लहसुन का कारोबार गैरकानूनी। भूटान म्यांमार के रास्तों से चोरी छुपे लहसुन की खरीदी करके शिमोगा के APMC मार्केट में चीन के लहसुन की भरमार। देसी लहसुन की कीमत 350 से 400 चल रही है बाजारों में, तो वहीं हाइब्रिड लहसुन की कीमत देश में है 270 से
300 किलो रुपये तक 80 से 90 रुपये कम कीमत पर चीन के केमिकल मिलावट वाले लहसुन बिक रहे हैं शिमोगा के गांधी बाजार लश्कर मोहल्ला एपीएमसी में, जबकि 10 साल पहले ही चीन के लहसुन पर भारत में लगाई गई थी पाबंदी। इस पर रेड करके फूड सेफ्टी और क्वालिटी विभाग अधिकारियों ने लहसुन के सैंपल्स को भेज दिया है जांच के लिए। जनार्दन रेड्डी की बल्लारी में एंट्री पर लगी पाबंदी हटाई कोर्ट ने। माइनिंग किंग के नाम से मशहूर बल्लारी के जनार्दन रेड्डी, मौजूदा कोप्पल जिला गंगावती के एमएलए पर लगी माइनिंग मामलों में जेल जाने वाले जनार्दन रेड्डी पर 2011 उस वक्त बल्लारी जिले में दाखिल होने की पाबंदी को हटाते हुए बल्लारी में एंट्री की दी है कोर्ट ने इजाजत। इस फैसले के बाद बल्लारी में अभिमानियों का जश्न। बॉस इज बैक, वेलकम बल्लारी के पोस्टर, पटाखे फोड़ मिठाई बांटकर शहर में जश्न में डूबे लोग। मैं बल्लारी के अंदर सिद्धरामैया बाहर का बयान दिया जनार्दन रेड्डी ने इस फैसले के आने के बाद। ओ माय गॉड, गोल्ड के दाम, शादी हो या त्यौहार, सबकी पहली पसंद गोल्ड जेवरात। सोने के जेवरात का शौक रखने वालों के लिए बेचैन करने वाली न्यूज। पिछले ही हफ्ते 74,000 वाले सोने के दाम अब 77,000 के पार। 24 कैरेट सोने की कीमत 77,640 तो 93,000 लाख के करीब। 1 किलो चांदी के दाम देखे या खरीद कर पहने, रोज बढ़ते सोने और चांदी के दाम से जनता है हैरान। फिल्म देख रही महिला के अंदर आई देवी माँ। बेंगलुरु में फिल्म देख रही महिला पर चढ़ा देवी माँ का जुनून। भैरा देवी फिल्म देखने आई महिला के बदले अचानक तेवर। फिल्म के दौरान ही उछलने कूदने लगी महिला। फिल्म देख रहे आसपास के लोग हुए हैरान। किसी तरह से काबू करके महिला को सिनेमा घर से लाया गया बाहर। ऐसा भी होता है फिल्म के दौरान। ऐसा देखने को आई भैरा देवी फिल्म के वक्त थिएटर में हुआ। गैर कानूनी देश में रहने का मामला पाकिस्तानी होने का शक। बेंगलुरु के आनेकल तालुका जिगनी में गैर कानूनी विदेश से आए लोगों पर राज्य में रहने का मामला। 2 पाकिस्तानी और 4 विदेशी नागरिक अरेस्ट। नाम बदलकर यहां रहने की जानकारी पर पुलिस की रेड। जिगनी के पास अपार्टमेंट में 2 बच्चे पत्नी के 7 व्यक्ति के रहने का शक। सेंट्रल इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट के बाद 2014 से ही भारत में रहने की मिली है शुरुआत में इस परिवार की जानकारी, जिनको पकड़कर की जा रही है पूछताछ। मोबाइल टीवी लैपटॉप सब अपने कब्जे में ले चुकी है पुलिस विभाग। अब जांच के बाद ही पुलिस से दी जाने वाली जानकारी से ही बाहर आएगा सच क्या था असल मामला। बेंगलुरु मैसूर नेशनल हाईवे पर खौफनाक रोड हादसा। बेंगलुरु मैसूर नेशनल हाईवे पर आज एक खौफनाक हादसा पेश आया। हादसे में 20 से ज़्यादा मुसाफिर शदीद जख्मी। घायलों को मंडिया के मिम्स हॉस्पिटल में दाखिल करके किया जा रहा है इलाज। बेंगलुरु से मंडिया की तरफ आने वाली KSRTC बस नेशनल हाईवे से सर्विस रोड पर आते ही क्रॉसिंग के दौरान ड्राइवर के कंट्रोल खोने से बाहर हो गई बस। सड़क के गड्ढे को बचाने का चक्कर तो मोबाइल पर ड्राइवर के बात करने की वजह भी बताई जा रही है शुरुआती जांच में। इस हादसे की वजह बेकाबू बस सामने खड़े कैंटर से टकरा कर पलटने से हुआ बड़ा हादसा। मामला मंडिया ग्रामीण पुलिस थाना लिमिट में है हुआ। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।